गेटिंग एस्टेब्लिश्ड. हम लोग डॉन 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 कर रहे हैं सुबह से, लेकिन ओरिजिनल डॉन जो जिसमें बच्चन साहब और तो उस तरह के जो कैरेक्टर्स होते हैं. और फिर डाउन द जनरेशंस आई थिंक ऑल आर लीडिंग मेन हैव पार्ट ऑफ आर स्टोरी टेलिंग बिकॉज वी एंजॉय दीज कैरेक्टर्स, वी एंजॉय देयर बैकग्राउंड, देयर स्टोरीज, हाउ दे गॉट देयर. अगर आप किसी साथ गलत करोगे नहीं तो आपके साथ गलत होगा भी नहीं. वो एक ऐसी चीज है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है. तो यू कैन टेक, मतलब आपके हालात कैसे भी हैं लाइफ में, बट आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, ये उस पे ज्यादा मतलब हम दोनों का एक रिलेशन बन रहा है. सत्यजीत सर, मोहित, अ वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑन टेली रिपोर्टर. हाय, सो मच. Yeah, okay, so I have seen the promos and it is really great. You know, Satrangi is something quite an happening title for a show. Main aap dono se janna chahungi, you know, ki kis tarah ke rang aap log is show ke dwara, you know, audiences par bikherne wale hai, kis tarah ka, you know, concept hone wala hai, because the title itself is quite happening. So really looking forward for the show. Agar thoda aap kuch bata sake to. So, basically, सतरंगी कहने का मतलब यह है कि आपको जीवन के सारे रंग देखने को मिलेंगे. जो एक दूसरा तरीका है ये कहने का कि इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ काइंड ऑफ अ शो. इट्स रियल, कैरेक्टर्स आर वेरी रिलेटेबल, प्लॉट लाइंस, स्टोरी लाइंस ऐसी हैं कि लोगों को आकर्षित करेंगी, लोग उनके साथ उसके साथ कनेक्ट करेंगे. और जैसे आपको कोई भी रंग और एक रेनबो ऑफ कलर्स देखने में मजा आता है, वैसे ही शायद होपफुली श्योर ये शो भी देखने में मजा आएगा. और बहुत अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं और फिर उनके आस पास बीच के उनके अपने जो क्वर्क्स हैं, जो उनका जो केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ, वो बहुत एक्साइटिंग है, बहुत वेल एच्ड आउट है दरअसल कॉन्सेप्ट के लेवल पर. तो वो हम एक्टर्स के लिए बहुत एक्साइटिंग है अभी फिलहाल, जो हम पिछले एक महीने से तकरीबन शूट कर रहे हैं. तो हमें ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें बहुत मजा आ रहा है तो ऑडियंस को भी देखने में मजा आना चाहिए. राइट राइट, या ओके. मोहित, वुड यू लाइक टू ऐड समथिंग? जैसे कि शो का नाम है सब सतरंगी, तो इट्स अ फैमिली शो, तो हर जो कैरेक्टर है ना शो के अंदर, सबका एक अलग ही रंग है, मतलब सबके अलग अंदाज है. मेरे बड़े भाई को ले लीजिए, या मेरी छोटी बहन को, या मेरी दादी को, हर इंसान का एक अलग लहजा है बात करने का, और हर एक की एक अलग लाइफ स्टोरी है सबके, मतलब. और जब उन सबको मिलाया जाता है तो एक मसाला तैयार होता है जिसका नाम है सब सतरंगी. डैडी जी भी उसमें एक अलग ही कैरेक्टर है जो प्ले कर रहे हैं. एंड मैं एक्चुअली सब में, इन सब में मैं ही जूनियर हूँ, सब सीनियर एक्टर हैं, सब एक्सपीरियंस्ड हैं, और मेरे लिए मतलब थोड़ा ज्यादा सीखने के लिए मिल रहा है. तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं इन लोगों के साथ काम कर रहा हूँ. ओके ओके, मोहित, अगर आपके कैरेक्टर के बारे में बात करें तो यू नो रियल लाइफ में इस तरह के लोग ढूंढना इज एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि इस जनरेशन में कोई भी ऐसा एग्जिस्ट करता भी है. यू नो, जब आपको ये कैरेक्टर ऑफर आया, यू नो, जब आपको एक थॉट था कि ऐसे लोग बहुत कम एग्जिस्ट करते हैं, अगर करते भी है तो आप किस तरह से पोर्ट्रे करेंगे, बिकॉज कहीं ना कहीं विद इन आवर सेल्फ्स ऑल्सो ऐसे ऐसे कैरेक्टर को देखना इज क्वाइट डिफिकल्ट. वाज इट फॉर यू? क्योंकि जब सौरभ सर ने मुझे कहानी सुनाई तो मतलब मुझे अभी तक वो रिएक्शन याद है, जब उन्होंने सुनाया I was like, ये कैसे होगा. मतलब मैं बिल्कुल ऑपोजिट हूँ, मतलब इसका रियल लाइफ में मैं ऐसा हूँ ही नहीं, मैं बात अलग तरीके से करता हूँ, मेरी हर चीज अलग है. बट जो मन्नू का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही मतलब मासूम है, और आजकल मासूम लोग होते नहीं ना. तो बट एज एन एक्टर यू हैव टू प्ले इट. मेरे लिए थोड़ा चैलेंजिंग है क्योंकि मैं ऐसा रियल लाइफ में नहीं हूँ. बट जैसा जितना अभी तक हमने शूट किया एक महीने, जैसे मैंने एक दो फुटेज देखा, एक जो क्लिप देखा है, ज्यादा कुछ मिला नहीं, बट स्क्रीन पे अच्छा लग रहा है देख के, मतलब हाँ वो पोर्ट्रे कर पा रहा हूँ तो नया है. या जो नॉर्मली जो शोज होते हैं, जैसे मेरा पिछला भी शो था, तो मेनली जो लड़के होते हैं वो हीरो ही होते हैं, बट इसमें हीरो की कहानी नहीं है, ये एक आम आदमी की कहानी है, जैसे कि हर घर में होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, जब मुझे ये कहानी सुनाई थी तो जब मैं थोड़ा प्रिपेयर कर रहा था इसके लिए, तो मुझे मेरे पापा याद आ रहे थे. मैंने कहा हाँ यार पापा ऐसे ही हैं रियल लाइफ में, मतलब वो ऐसे ही बात करते हैं, वो ऐसे ही रहते हैं सबके सामने, तो पापा की तरह प्ले कर लेते हैं थोड़ा सा. तो या हर इंसान की लाइफ में मतलब कोई ना कोई ऐसा रहता है, और जब आप छोटे शहरों में जाते हैं तो आपको ऐसे लोग मिलेंगे, बॉम्बे दिल्ली बेंगलोर में नहीं मिलेंगे, बट आप किसी गाँव में जाते हैं, जब जो छोटे शहर वहां पे आपको ऐसे लोग मिल सकते हैं अभी भी. राइट राइट, या
सत्यजीत सर, यू नो टॉकिंग अबाउट योर कैरेक्टर, आपका कैरेक्टर नाम ही बड़ा कूल है, बिकॉज यू नो जब मैंने सुना था डैडी फिश वाइफ वाज रियली अमेजिंग फॉर मी, बहुत बहुत इंटरेस्टिंग कैरेक्टर लगा था आपका नाम. सेम फॉर मी. एंड वी हैव सीन योर प्रीवियस वर्क एज वेल, यू नो आई रिमेम्बर सीइंग बालिका वधू एंड वहां पे आपका बहुत स्ट्रिक्ट कैरेक्टर था. सो यू नो आपको इस अंदाज में देखना इज टोटली अमेजिंग. वो रॉबिन हुड वाला जो आपका कैरेक्टर है, यू नो कितना amazing, you know, कितनी exciting ये आप भी उसे play करो, because it is truly amazing watching you in such a character. Yeah, no, for me personally also, like it's very exciting actually. और क्योंकि कोई भी character जो है वो interesting बनता है उसके paradoxes की वजह से, क्योंकि उसमें अब जैसे ये ही किरदार है, फॉर एग्जाम्पल कहने को माफिया डॉन है, बदमाश है, ये है, पर दिल का अच्छा है. जो हमारा जो शो का जो core philosophy है कि कर भला तो हो भला, उस चीज में जेन्युइनली बिलीव करता है, और वही एक पॉइंट ऑफ कनेक्शन बनता है मोहित के कैरेक्टर के साथ कि अरे ये भी वही बोल रहा है जो मैं इतने सालों से बोल रहा हूँ. तो जो जो कोर थॉट है शो का उसमें बिलीव करता है. लेकिन हाँ, कहने को बदमाश है तो एक्साइटिंग है. तो जैसे आप अपने बारे में बता रही हैं कि आपको इस तरह के कैरेक्टर्स, मुझे पर्सनली मुझे बहुत कैरेक्टर्स तो खैर इस तरह के एक्साइटिंग होते ही है किसी भी एक्टर के लिए, लेकिन अगर आपको करने का मौका मिले तो इट्स सो मच मोर फन. या सो आई एम एंजॉयिंग इट. यस मोहित, आप बताइए, जैसे सत्यजीत सर ने कहा कि यू नो आप दोनों के कैरेक्टर का कोर बहुत सेम है, एंड आपने पीसी के दौरान भी कहा था कि आप उन्हें एज अ बड़ा भाई देखते हैं शो में, यू नो किस तरह का बॉन्डिंग आप दोनों के बीच में देखने मिलने वाला है इन द कमिंग एपिसोड? बड़ा भाई वो इनके लिए नहीं था, वो दिवाकर जी के लिए था. ये डैडी जी है शो के अंदर, तो इनके साथ कुछ अलग ही रिश्ता होने वाला है, वो आपको एपिसोड देख के पता चलेगा, एक अलग रिश्ता. अब एज जैसे जो शो में जो इनका कैरेक्टर है वो माफिया डोन है, बट हालात की वजह से है. अब ये जो बंदा है ये अपने हालात की वजह से ऐसा है, बट दोनों की जो थिंकिंग है जो लास्ट में है कि मतलब अगर आप किसी साथ गलत करोगे नहीं तो आपके साथ गलत होगा भी नहीं, वो एक ऐसी चीज है जो दोनों को कनेक्ट कर रही है. तो यू कैन टेक मतलब आपके हालात कैसे भी है लाइफ में, बट आपका थिंकिंग प्रोसेस कैसा है, ये उस पे ज्यादा मतलब हम दोनों का एक रिलेशन बन रहा है. ओके एंड यू नो प्रोमोस में हमने ये देख लिया कि आप सबकी हेल्प करते हो, ऐसा कौन सा यू नो कैरेक्टर होगा शो में जो आपकी हेल्प करता हुआ नजर आने वाला है हमें? सबसे ज्यादा मेरी हेल्प करते हुए नजर आएंगे, अरे डैडी जी और दादी जी, दोनों डी हैं. एक तो दादी जो घर के अंदर रहती हैं और जो घर के मामले सुलझा देती हैं, और जैसे घर से बाहर निकलता हूं तब डैडी जी आते हैं हमेशा बचाने के लिए. ओके आप दोनों से ये क्वेश्चन है, यू नो सतरंगी इज यू नो हमारे मोमेंट्स भी हो सकते हैं ऐसे जो बहुत ज्यादा कलरफुल लगता है हमें, कि वेर यू नो देयर इज वन मोमेंट इन लाइफ जहां पे ऐसा लगता है कि सब कुछ हैपनिंग है, सब कुछ कलरफुल है. आप दोनों के लाइफ में यू नो इस तरह का सतरंगी मेमोरी या मोमेंट कौन सा रहा है? मेरे लिए जैसे फॉर एग्जाम्पल जब मैं दिल्ली में अपना थिएटर कर रहा था और वो सब, तो जैसे आई वांटेड टू गो टू द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, दैट वाज अ बिग डील फॉर मी. और पूरा आपका फोकस और पूरा जो स्कूल कॉलेज के जमाने में जो थिएटर करते हैं वो सब ये था कि अरे किसी तरीके से मतलब एडमिशन हो जाए, मतलब घुसने को हो जाए, एंड व्हेन यू एक्चुअली अचीव व्हाट यू वांट सो डेस्परेटली इन लाइफ, जब वो होता है, तो आई एक्सपीरियंस दैट वन मोमेंट इन 1991 व्हेन आई गॉट थ्रू, एंड दैट मेंट अ लॉट, एंड आई स्टिल रिमेंबर इट. इट्स या इट गिव्स यू गूज बम्प्स एक्चुअली दीस मोमेंट्स. मेरे लिए अगर देखा जाए तो जब से मैं बॉम्बे आया हूँ लाइफ सतंगी चल रही है, क्योंकि एज मतलब कभी बचपन में सोचा नहीं था कि एक्टिंग करेंगे, मतलब कॉलेज तक तो बिल्कुल नहीं सोचा था कि कभी एक्टिंग करने वाले हैं, यहाँ पे आएंगे और मतलब ये सब करने को मिलेगा. हमेशा से लाइफ गोल अलग था, क्योंकि मेरे शहर से तो मतलब आज तक कोई आया नहीं. इट्स अ काइंड ऑफ विलेज राइट नाउ. तो जैसे ये सतरंगी है ना आपके लिए, जैसे जब मैं स्कूल में था तो मैंने इनको देखा था बालिका वधू में, मैं उस टाइम 12th क्लास में था या 11th क्लास में, तो मैंने इनको देखा था. आज मैं इनके साथ अगर काम कर रहा हूँ, जब मैं इनको फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने बोला भी, मैंने कहा सर आपका जब शो आता था ना मैं स्कूल में था उस टाइम पे, और अब मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ, तो ये सतरंगी मोमेंट है ना लाइफ में, तो लाइफ ही सतरंगी हो गई अभी करंटली. एक्चुअली मैंने भी सर से यही कहा था कि मैंने भी आपका शो देखा है, आई हैव ग्रोन अप वाचिंग योर शो बालिका वधू, सो इन दिस बिगनिंग ओनली.
टेलीविजन में भी बहुत प्ले किए गए हैं, कोई आपका स्पेसिफिक फेवरेट है इन सभी कैरेक्टर्स में से, लाइक एक्टर जिसने बहुत बखूबी पोर्ट्रे किया हो ऐसे कैरेक्टर्स को? I think all our leading men at some point or the other have done it, isn't it? I mean, in the 70s, the whole idea of the anti-hero getting established. Hum log Don kar rahe hain subah se, lekin original Don jo jisme Bachchan sahab aur to us tarah ke jo characters hote hain, aur phir down the generations, I think all our leading men have done parts like these, and we have enjoyed watching them. And और सिर्फ लीडिंग में नहीं, क्यों मतलब कई बार सपोर्टिंग रोल्स में आपको बहुत अच्छे इस तरह के किरदार देखने को मिलते हैं. मुझे याद है, मुझे फिल्म का नाम याद नहीं है, लेकिन मुझे याद है शायद सतीश कौशिक साहब ने शायद एक किसी एक फिल्म में मैंने उनका कुछ एक ऐसा वो देखा था. तो कहने का मेरा मतलब ये कि बहुत कैरेक्टर्स बहुत इस तरह के, और इट्स पार्ट ऑफ आवर स्टोरी टेलिंग बिकॉज वी एंजॉय दीज कैरेक्टर्स, वी एंजॉय देयर बैकग्राउंड, देयर स्टोरीज, हाउ दे गॉट देयर. और फिर ओरिजिनल रॉबिन हुड ही ले लीजिए, मतलब वो आज उसकी कितनी फिल्में बन चुकी हैं ओवर द ईयर्स, एंड आप आज भी देखते हैं तो आपको उतना ही मजा आता है जितना पुरानी फिल्में देखने में आया था. तो हाँ, मतलब एज एन एक्टर मेरे लिए बहुत उस तरह से फुलफिलिंग है कि आपको भी अगर उस तरीके का एक काम करने को मिलता है तो you enjoy it, you like it. Yes, yeah, yeah. Okay, aise characters ki usually you know ek thug line hoti hai, aapki show mein koi ek hai aisi jo you know aap repeatedly bolte hue nazar aate? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है. अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, जैसे मैंने बोला कि कैरेक्टर उसी कोर फिलॉसफी में बिलीव करता है कि अगर आपने कभी किसी का गलत किया नहीं तो आपके साथ भी गलत नहीं होगा, तो उस तरह की वो लाइन बोलता है. लेकिन वो उस तरह का ऐसा कोई जिसको हम तकिया कलाम बोलते हैं या कुछ ऐसे, नहीं वैसा तो कुछ नहीं है. अगर आगे शूट करते करते कुछ ऐसा इमर्ज हो या कुछ ऐसा बने तो अलग बात है, फिलहाल तो नहीं है. ओके मोहित, यू नो प्रोमो में आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है यू नो योर ब्राइड जो अब तक रिवील नहीं हुई है, आखिर कौन है उस यू नो घूंघट के पीछे, यू नो बहुत क्यूरियोसिटी ऑब्वियसली क्रिएट हो गई है. थोड़ा बहुत यू नो अगर एक्साइटमेंट बढ़ाने के लिए व्यूवर्स के, आई एम श्योर आप रिवील तो नहीं करोगे, बट थोड़ा बहुत अगर और कुछ आप एड ऑन करोगे एक्सेप्ट द प्रोमोस टू जस्ट यू नो इंक्रीज द एक्साइटमेंट ऑफ द व्यूअर्स, तो वो क्या होगा आपकी दुल्हनिया को लेकर? एज ए करेक्टर मनु को बड़ी जल्दी थी शादी करने को एक्चुअली. तो रील तो मैं कर नहीं सकता क्योंकि मेन स्टोरी वहीं से शुरू होती है, तो मैं सच में रील नहीं कर सकता. क्योंकि मतलब वो जो मेन मेन जो एजेंडा है वहीं से कहानी उसकी शुरू होती है. इस बंदे को बड़ी जल्दी थी ना शादी करने की, तो मेन जितना भी भोला इंसान है इसकी मतलब हालत वहीं से खराब होनी शुरू होती है जब इसकी शादी होती है, और वहां से इसके लाइफ का टर्निंग पॉइंट शुरू होता है. तो या रिवील नहीं कर सकता, सॉरी. या ओके ओके लास्टली यू नो बिफोर रैपिंग इट अप, यू नो कुछ कहना चाहोगे आप आपके व्यूअर्स से, यू नो बिकॉज़ प्रोमोस बहुत ज्यादा पसंद किया जा रहा है, एंड आई एम श्योर कि आप लोगों को भी फीडबैक बहुत अच्छा मिला होगा फैंस की तरफ से. इज देयर समथिंग यू नो आप उनके लिए कुछ कहना चाहते हो? 7 फरवरी को शाम को 7:30 बजे ये शो आएगा, और तब से 6 days a week, एंड अच्छी कहानी है, अच्छे कैरेक्टर्स हैं, देखिए और हमें फीडबैक दीजिए, बताइए कि आपको कैसा लगा, और आई होप एवरीवन एंजॉय्स द शो. मोहित, हाँ वही 7 फरवरी को 7:30 बजे सोनी सब के सब देखने जरूर आइएगा. एक अलग कहानी है, एक फ्रेश कॉन्सेप्ट है, मतलब जो डे टू डे लाइफ की जो स्टोरीज होती है उनसे अलग हटके है सब कुछ. एक बहुत ही मतलब हल्का फुल्का सा शो है जो मतलब फैमिली टाइप शो है जो आप सबको अच्छा लगेगा, तो प्लीज कम एंड वॉच. थैंक यू सो मच, इट वाज रियली लवली टॉकिंग टू यू, एंड आई रियली होप यू एंजॉय चैटिंग विद अस. गाली वाली है. थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर शो. थैंक यू सो मच, वी विश यू द सेम. यू टेक केयर एंड बी सेफ. थैंक यू.